महाराष्ट्र के पुणे में भीषण हादसा, केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 10 लोगों की मौत, कई लोग गंभीर रूप से जख्मी। केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट के फैक्ट्री के परखच्चे उड़ गए, सामने आया वीडियो, ब्लास्ट का वीडियो सामने आया, तस्वीरें भयावह हैं। रेस्क्यू जारी। हरियाणा के अंबाला में भीषण सड़क हादसा, बस और ट्रक में टक्कर, हादसे में 7 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लोग जख्मी। हादसे में शिकार बस यूपी के बुलंदशहर से माता वैष्णो देवी जा रही थी, श्रद्धालुओं से भरी हुई थी बस, दिल्ली जम्मू हाईवे पर हुआ हादसा। पुणे फौज कांड मामले में बड़ा खुलासा, पुलिस की पूछताछ में ड्राइवर का बयान, कार नाबालिग आरोपी ही चला रहा था कार, पिता के कहने पर आरोपी को दी थी कार की चाबी। पुणे हिट एंड रन केस मामले में सूत्रों के हवाले से खबर, विभागीय जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई है, एसीपी रैंक के अफसर को मिली है जांच की जिम्मेदारी, एफआईआर दर्ज करने में ढिलाई की होगी जांच। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राजा भैया पर कसा तंज, कहा जो नाराज थे वो साथ आ गए हैं कि नहीं आए। केजरीवाल की बेल पर ईडी में घमासान, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा एक सीएम जेल में है तो दूसरे को जमानत कैसे मिली, बीजेपी बोली राहुल ने न्यायपालिका पर उठाए सवाल। केदारनाथ दर्शन के लिए आ रहे श्रद्धालुओं के हेलीकॉप्टर की हुई आपात लैंडिंग, पायलट की सूझबूझ से सुरक्षित हुई लैंडिंग, सभी यात्री सुरक्षित। चारधाम यात्रा ने बनाया रिकॉर्ड, पिछले 2 सालों से 2 गुने तीर्थयात्री पहुंचे चारधाम, सबसे ज्यादा 4.25 लाख श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे। महाराष्ट्र के पुणे में 146वें एनडीए कोर्स पासिंग आउट परेड हुई, परेड में कैडेट से दिखाई कर्तव्य। कर्नाटक के बेलगावी में मामूली विवाद को लेकर 2 गुटों में जमकर पत्थर चले, पथराव में 8 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, झड़प का वीडियो सामने आया है, इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। सुबह के 10 बज रहे हैं, बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करेंगे, सुजाता और गायत्री भी मेरे साथ इस बुलेटिन में मौजूद है। बड़ी खबर इस वक्त पुणे हिट एंड रन केस में, जो गाड़ी में सवार थे लोग उनसे भी पूछताछ की जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त आप सुन रहे हैं, जांच टीम के गठन की बात भी सामने निकल कर सामने आ रही है, कार में सवार लोगों से आज पूछताछ की जाएगी, उनके बयान दर्ज किए जाएंगे, आरोपी के 3 दोस्तों के बयान दर्ज होंगे, 3 दोस्त और ड्राइवर को पुणे पुलिस आमने सामने बिठा करके बयान दर्ज करेगी। हादसे के समय आरोपी के 3 दोस्त भी कार में सवार थे और आज इन 3 दोस्तों से पूछताछ होगी, आमने सामने बिठा कर पूछताछ की जाएगी और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, पुणे हिट एंड रन केस में आज एक और अहम दिन है, क्योंकि आज वो 3 दोस्त जो आरोपी के साथ उस वक्त उस दिन कार में सवार थे, जिस तरह से इन लोगों ने गाड़ी में एक तरीके से बड़े वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद भागने की कोशिश की थी, अब इस पूरे मामले में जो 3 दोस्त हैं उनकी गवाही महत्वपूर्ण हो जाती है, वो क्या कुछ कहते हैं, वो क्या कुछ बताते हैं पुलिस को, क्योंकि ये कहा गया आरोपी नशे में धुत था। और इस बीच इस केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के मुताबिक अब इस मामले में विभागीय जांच भी हो सकती है, टीम का गठन किया जा रहा है, ये तमाम वो जिन्होंने पहले एफआईआर में हल्की धाराएं जोड़ी, जिसकी वजह से जो आरोपी था वो जमानत पा गया, उसके बाद जेल में जिस तरह से बताया जा रहा है कि अच्छी ट्रीटमेंट दी गई, वीआईपी ट्रीटमेंट आरोपी को दिया गया, यहां तक कि जो पीड़ित परिवार है उन्हें परेशान करने का भी आरोप लगा है। विभागीय जांच के लिए टीम का गठन किया जा रहा है, एसीपी रैंक के अफसर को जांच का अधिकारी बनाया जाएगा, सीनियर पुलिस अफसरों की जांच कराई जाएगी, एफआईआर दर्ज करने में ढिलाई की जांच होगी और जांच में अगर ये तमाम लोग आरोपी पाए जाते हैं तो गृह मंत्रालय इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, कार्रवाई हो सकती है। आपको बता दें कि दोषी अफसरों पर कार्रवाई की तैयारी है, विभागीय जांच के लिए टीम का गठन कर दिया गया है, एसीपी रैंक के अधिकारी इस मामले की जांच करेंगे। और जतिन इस वक्त हमारे साथ हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए, जतिन बताइए ये जो स्पेशल टीम का गठन किया गया है ये किस तरीके से जांच को आगे बढ़ाएगी, इसमें कौन कौन शामिल है और क्या कुछ इसको लेकर जानकारी। आज बिल्कुल देखिए, शनिवार को जब ये हादसा हुआ और हादसे के बाद पुलिस का क्या रवैया रहा उसी को देखते हुए ये विभागीय जांच के जो आदेश है वो प्रशासन द्वारा दिए गए हैं। एसीपी रैंक के जो ऑफिसर हैं वो इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे और जिन जिन की खामी पाई जाएगी इस केस से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और आपको मैं ये भी बता दूं कि इस केस में जब सबसे पहले शनिवार को उस नाबालिग लड़के को डिटेन किया गया था और उसके बाद उसको किस तरीके से छोड़ दिया गया उसको लेकर भी जांच जो है वो की जा रही है। ये एक पहला ऐसा है जिसमें एक नाबालिग लड़के को 2 बार पुलिस ने हिरासत में लिया और दूसरी बार जब हिरासत में साधा। और धनंजय सिंह ने क्या कुछ कहा अखिलेश यादव को लेकर, आइए सुनवाते हैं आपको।
कैंडिडेट को लेके कुछ कुछ जगहों पे बातें थी, लेकिन ओवरऑल बाद में चीज़ें सब मैनेज हुई हैं, सारे लोगों को वो हुआ कि नहीं सब लोग